सोचिए अगर आपके पास एक कॉल आए और सामने से आवाज आए कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे ना। कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ की रजनीताई के साथ भी। रजनीताई उपासने रायपुर की पहली महिला विधायक हैं, जिनके पास पीएम मोदी ने फोन किया और हालचाल जाना, आशीर्वाद लिया और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर जानकारी ली। दरअसल पीएम मोदी लॉकडाउन के दौरान कुछ खास लोगों से बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम ऑफिस से रजनीताई के बेटे सचिदानंद उपासने के पास फोन आया। तो देखिए पीएम मोदी ने रजनीताई से क्या कुछ बातें की। मेरी तबियत ठीक है, घर में बहू है, बेटे है, सब करते हैं सेवा सेवा करते हैं। जी हाँ, बस पार्टी अपनी है ना, अपनी पार्टी अपन कहा जा नहीं सकते ना। कई लोगों ने आशीर्वाद दिया था, चलो चलो चलो, हमने कहा नहीं, घर छोड़ तुम्हारा आशीर्वाद, घर घर छोड़ के नहीं जाती मैं। ए नंदू और बहुआ रानी का नमस्कार बताया है, सच्चिदानंद उपासने और मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है और आगे अरे नहीं तकलीफ का की और इससे भी अच्छा काम करो, आगे बढ़ो और ऊपर का खाना पौधा और जस्ते ना मिले खुशी खुशी आपका काम बहुत, हम लोग यहाँ सुन देखते हैं ना। हेलो, बता दें कि रजनीताई उपासने को उनके तीनों बेटों के साथ इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिया गया था। रायपुर से न्यूज के लिए भूजेंद्र कुमार वर्मा की रिपोर्ट।